नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के रानी दुलियाबाई कॉलेज में पढ़ने वाली BMMS छात्रा डॉक्टर प्रेरित अहिरवार के संबंध में संचनालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक शिकायत नंबर 610 भोपाल में 21 जुलाई 2022 को BAMS प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक की प्रेरित अहिरवार की अंक सूची और उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच और सत्यापन संबंधी शिकायत की गयी थी और इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की कार्य परिषद की बैठक कुलपति के कक्ष में 16 अगस्त 2022 को संपन्न हुई थी। इस कार्य परिषद की बैठक में सदस्यगण के रूप में तत्कालीन कुलपति बी चंद्रशेखर, डॉक्टर परवेज सिद्दीकी, डॉक्टर अर्चना मरावी, डॉक्टर राजेश बी धीरावाड़ी, डॉक्टर गीता गोयन, डॉक्टर प्रभात कुमार बुधोलिया उपस्थित रहे, जहां पर निर्णय लेते हुए उपरोक्त प्रकरण में आयोग द्वारा दिए गए प्रतिवेदन का अध्ययन किया गया, जिसमें जांचकर्ताओं ने पाया कि उत्तर पुस्तिका में विद्यार्थी की पहचान आइडेंटिफाई दर्शित होती है, जो कि अनअफेयर मींस की श्रेणी में आता है। अतः कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में एक सूचना पत्र जारी किया जाए एवं परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाए। हम तुम्हारा हक मांग लेते हैं, नहीं किसी से भीख मांग लेते हैं। हम तुम्हारे इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को भी उनके मोबाइल नंबर 9425139982 पर अवगत कराया जा चुका है। वहीं जब इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान के कुल सचिव डॉक्टर पुष्पराज सिंह बघेल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर परीक्षा विभाग से जानकारी ली जा रही है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट करते हुए बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और इस पर वह बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। BMS की जो छात्रा है रानी दुलैयाबाई कॉलेज भोपाल की, कई शिकायतें उनकी मार्कशीट को लेकर और अनियमितताओं को लेकर की गई थी, उस पर क्या कार्रवाई की गई? आप ही के द्वारा अभी ये मेरे संज्ञान में प्रकरण आया है, मैं अभी परीक्षा विभाग से इसकी पूरी जानकारी लूँगा कि क्या स्थिति है और जो भी नियम सम्मत जो भी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिनियम परिनियम में जो भी व्यवस्थाएँ दी गई होंगी और जो भी उच्च अधिकारियों का निर्देश होगा उसका निश्चित तौर पे पालन किया जाएगा। किसी भी छात्र के साथ अन्याय निश्चित तौर पे नहीं होगा और अगर कोई दोषी है तो निश्चित तौर पे कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, इसका मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। 16/8/2022 को जब कार्य परिषद की बैठक 16/8/2022 को तत्कालीन कुल सचिव डॉक्टर प्रभात बुधोलिया जी थे, मैं उस समय कुल सचिव नहीं था। हमने निर्णय लिया था कि अंश साधनों का प्रयोग करते हुए छात्रा को पाया गया था और इसके लिए कमेटी ने परीक्षा परिणाम निरस्त करने की बात कही थी, आज दिनांक तक यह परीक्षा परिणाम निरस्त क्यों नहीं किया गया? मैटर संज्ञान में आया है, जैसा मैंने कहा मैं परीक्षा विभाग से इसकी पूरी जानकारी लूँगा और जो भी निर्णय लिए गए होंगे कार्य परिषद ने जो भी कहा होगा माननीय कुलपति महोदय जैसा निर्णय लेंगे उसके अनुसार कानून सम्मत जो भी कार्यवाही होगी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिनियम परिनियम अध्यादेश में विहित जो भी रीतियां हैं जो भी नियम हैं उसका निश्चित तौर पर पालन किया जाएगा और जैसा मैंने कहा किसी छात्र के साथ ना अन्याय होगा ना किसी भी छात्र को प्रश्रय दिया जाएगा किसी गलत काम के लिए। ये मामला आपके नॉलेज में कब आया, किस दिनांक पर आया? अभी आया, शायद आपके द्वारा ही मेल किया गया कब, था कब किया गया था? आई थिंक 8-10 दिन पहले जो भी मेल आया था उसके बाद ही ये मैटर संज्ञान में आया है मेरे, मैं इसको दिखवाता हूँ क्या है। संचनालय आयुष मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 23 नहीं, मुझे इस संबंध में जानकारी, भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों कहना है कि इस संबंध में आपको अवगत कराया गया था? नहीं नहीं, मैं तो ना परीक्षा विभाग से संबंधित था ना मैं कुल सचिव था, तो मुझे अवगत कराने का कोई, अवगत कराया गया या नहीं कराया गया मेरी जानकारी में तो नहीं है कि अवगत कराया गया, लेकिन चूंकि ना मैं परीक्षा विभाग में था ना ही मैं कुल सचिव था तो मेरा कोई स्टेक बनता नहीं है। छात्रा को कोई स्पेशल प्रेफरेंस दिया जा रहा है आपके द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरह से न दिया जाएगा न दिया जा रहा है, न किसी को अनैतिक कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा ना ही संरक्षण दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। जो छात्र उचित हैं उनको निश्चित तौर पे उनका उचित
भाग मिलना चाहिए, जो अनुचित साधनों का प्रयोग या अनुचित चीजें हैं उस पर निश्चित तौर। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब कार्य परिषद की बैठक में 16 अगस्त 2022 को सर्वसम्मति से डॉक्टर प्रेरित अहिरवार के परीक्षा परिणाम को निरस्त करने के मामले पर निर्णय लिया जा चुका है, तो डॉक्टर पुष्पराज बघेल इस पूरे मामले पर कौन सी विधिवत कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारी लीपापोती करते हैं या छात्र हित में निर्णय लेकर अन्य छात्रों को यह बताते हैं कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना कितना गलत है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।